हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में जो कि ऑफिस 365 का है, हम एक खास चीज सीखेंगे। देखिए, ये जो फॉर्मूला है ना, ये केवल और केवल ऑफिस 365 में ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो ऑफिस 365 का इस्तेमाल करते हुए ये फॉर्मूला कैसे यूज करें, आइए समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि जब भी आप लेट फॉर्मूला यूज करेंगे, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बताता हूं। देखिए, यहां पर ये लेट फॉर्मूला लगाया। अब यहां पर आपको करना क्या है, सबसे पहला काम कि यहां पर वेरिएबल का नाम आपको देना है। तो यहां पे मान लीजिए ए दे दिया हमने वेरिएबल का नाम, ठीक है। और ए देने के बाद क्या करना है, वेरिएबल में रखी जाने वाली वैल्यू को असाइन कर दीजिए। देखिए, वेरिएबल की वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती है, ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम काफी बार देख चुके हैं। तो वो वैल्यू असाइन कर देते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 2 असाइन कर देते हैं। इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू रख दी गई वो 2 है, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉमा लगाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, यहां लिखते हैं a, ठीक है, इनटू कर देते हैं, यानी a में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, a में 2 असाइन है और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आंसर यहां पर आना चाहिए 4। तो चलिए आइए एक बार देखते हैं क्या आंसर आता है। तो यहां पर आपको आंसर 4 मिलता है। तो लेट फॉर्मूले का एक छोटा सा यूज मैंने आपको दिखाया। अब यहां पर देखिए, मैं कुछ चेंजेस करता हूं, यहां पे F2 कर लेता हूं फॉर्मूले को एडिट करने के लिए। अब मान लीजिए कि यहां पर a में रखी हुई वैल्यू अगर हम चेंज कर दे तो रिजल्ट भी हमारा चेंज हो जाना चाहिए, यानी यहां पर अगर मैं 3 कर देता हूं तो 9 आना चाहिए। तो यहां पर रिजल्ट सेम है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। चलिए आगे भी बात करेंगे हम, लेकिन इस वीडियो में नहीं, फिर किसी वीडियो में। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।